हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निफ्टी पे मैंने आपको ये जोन्स दिए थे, है ना? ये सपोर्ट जोन मैंने अपने यूट्यूब पे नहीं, अपने टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह दोबारा दिया था, जब निफ्टी वापस इसको रिटेस्ट कर रहा था। तो दोस्तों, आप देखोगे तो निफ्टी में ना, हमें मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि यहाँ से नीचे जाएगा ना, जब निफ्टी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा, ठीक है, तो हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें हमारा जो और स्टॉप लॉस रहेगा वो एग्जैक्ट बहुत छोटा रहेगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर था कहीं पे, ठीक है, पर टारगेट हमें 1:2 का इजिली इसमें देखने को मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, निफ्टी को हम देखेंगे, तो निफ्टी ने ना दोस्तों एक अच्छी खासी, मैं इसको हटाता हूँ पहले, निफ्टी ने हमें एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है, ठीक है। मार्केट नीचे जाने के बाद, मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न बनाया मार्केट ने, यू, ठीक है, नीचे गया वापस उठ गया सेकेंड हाफ में, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम पहले ये चीज़ देखेंगे, इसने सपोर्ट कहाँ से प्रोवाइड करी इसको, ठीक है। आप देखोगे तो एग्जैक्ट यहीं से, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पहले तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, एग्जैक्ट यहीं से इसको सपोर्ट प्रोवाइड हुई है, जहां से ये पहले एक अच्छा खासा मूव देने के बाद, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक कंटिन्यू अप ट्रेंड का मूव देने के बाद, देखो दोस्तों, कंटिन्यू ऊपर आने के बाद, ठीक है, इसने एग्जैक्ट अपने हाई पे रिजेक्शन ली, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पे रिजेक्शन लेके, ठीक है, ये वापस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आज ये वापस एग्जैक्ट उसी जगह पे से रिजेक्शन लेने आया है दोस्तों, है ना? तो दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, इसमें दोस्तों जो अब हम हमारी रणनीति रहेगी वो ना पॉजिटिव रहेगी ना नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव दोस्तों इसमें जब रहेगी हमारी, जब ये वापस इस हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, तो नीचे की तरफ हम इसमें वापस यहाँ तक का टारगेट तो इजिली अचीव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस लेवल को हटाऊंगा नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये हमारे लिए, ठीक है। पर एक काइंड ऑफ मेरे को यहाँ पे टेम्पररी दोस्तों, मतलब छोटे लेवल पे एक रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है निफ्टी के लिए, ठीक है, जहाँ पे निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ पे आके रिजेक्शन फेस करी इसने, यहाँ पे भी रिजेक्शन फेस करी इसने, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं पे रिजेक्शन फेस कर रहा था ये। अभी वापस देखो, आज खुला भी तो एग्जैक्ट यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करी, पर सेलर्स ने इसको नीचे फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स थोड़े ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। तो इसमें दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अगर ये इसके इसको ब्रेक कर जाता और सस्टेन कर जाता है ना, तो हमें इसमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है, और यहाँ तक का या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट तो हम इसमें इजिली अचीव कर जाएंगे दोस्तों। पर अगर ये सपोर्ट जोन को तोड़ता है, तो नीचे का टारगेट इसमें हमें बहुत इजिली अचीव हो जाएगा दोस्तों। मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, तो आप इसमें दोस्तों, मैं जो आपके लिए स्टॉक्स लाया हूँ ना, वो दोनों साइड के लाया हूँ, उनमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी इजिली मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी पे आऊँगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ, एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए लेवल्स बनाए थे, शायद मेरा नेट कनेक्शन स्लो है जी। देखो जी दोस्तों, देखिए आगे एग्जैक्ट इसमें दोस्तों, जब इसका लेवल का ब्रेक करा ना, आप देख पा रहे कहाँ पे आके एग्जैक्ट इसने मतलब सपोर्ट फेस करी, एग्जैक्ट दोस्तों हमारी ट्रेंड लाइन पे। दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भी मैं बनाता हूँ ना, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो बिल्कुल दोस्तों बारीकी से एनालिसिस करके ही बनाता हूँ, और आपके सामने ये रिजल्ट है, ठीक है। आप खुद देखिए, एग्जैक्ट इसने वहीं से ही वापस एक, अगर आपने इस रिजेक्शन के बाद 2 कैंडल 3 कैंडल ग्रीन की देख ली, ठीक है, तो आप इसमें एग्जैक्ट बाइंग भी अगर करते हैं ना, तो आपको सेलिंग साइड का तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही हुआ, ब्रेक के बाद सेलिंग का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ ही हुआ, पर इसके बाद बाइंग का भी देखो दोस्तों कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया आपको, देख पा रहे हैं आप। और एग्जैक्ट सिर्फ मेरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसको मैंने आपको, जो मैंने आपको दी थी, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब भी बैंक निफ्टी में तो कोई चेंज नहीं करूंगा दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए मैं अपने लेवल्स वही रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जो RSI है वो भी थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस ले, उसके बाद ऊपर जाए, ठीक है। तो
उसमें हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसमें हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में दोस्तों मैं आपको बहुत ही बारीकी से कुछ समझाने जा रहा हूँ, आप उसको जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों अगर हम स्टॉक्स देखेंगे, सबसे पहले अशोक लेलैंड की बात करता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, अशोक लेलैंड में आप देख पा रहे होंगे तो हमारा एक सपोर्ट जोन था, बहुत हैवी सपोर्ट जोन था दोस्तों ये, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दिया है इसने, आज इसको भी अच्छा खासा ब्रेक करके 4% तक डाउन गया है स्टॉक। अब इससे मेरे को क्या दिख रहा है, इससे मेरे को दिख रहा है कि एक काइंड ऑफ, ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रही है मेरे को, ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी, हाँ ठीक है दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रही है, एक दिख रही है दोस्तों जो सिंपल हॉरिजॉन्टल है ये, देख पा रहे हैं आप दोस्तों, मैं इसको थोड़ा मिला दूँ, हाँ ठीक है। अब दोस्तों मेरे को दो हॉरिजॉन्टल लाइनें क्लियरली दिख रही हैं, अगर हमें कहीं ब्रेक मिलता है ना, ये देखिए अगर आप हमें यहाँ पे इनमें से ब्रेक मिलता है किसी भी ट्रेन, हमारी एक ट्रेंड लाइन को तो ये तोड़ चुका है, ऊपर वाली को तो ये पहले ही तोड़ चुका है, पर अगर अब ये नीचे वाली को भी तोड़ देता है ना और इसमें एक काइंड ऑफ जैसे एक डाउन ट्रेंड होता है तो लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन चलती है ना, तो इसमें भी इसने ब्रेक देने के बाद एक अपवर्ड का टेम्प्रेरी मूव दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस टेम्प्रेरी मूव में आप देख पा रहे होगे तो एक काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन बन रही है जो अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही है। मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही है दोस्तों, यहीं से बार बार जंप ले रहा है इसी ट्रेंड लाइन पे से। अगर कल ये ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद इसको एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस फेस होने वाला है, पर अगर ये ब्रेक हो जाते हैं ना दोस्तों, क्योंकि इनमें 0.5-0.10% का ही गैप है बस, अगर ब्रेक होते नहीं तो बहुत बड़ा टारगेट आपको इसमें दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। और वापस ये 2-3-4% तक तो इजिली फॉल हो जाएगा, पर आप इसमें दोस्तों अपना इजिली 1:1.5 या 1:2 का टारगेट लेके एग्जिट हो जाना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस है ना जो दोस्तों वो बहुत ही छोटा रहने वाला है इसमें, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले स्टॉक पे जो कि है ओरो फार्मा। दोस्तों ओरो फार्मा में मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, सिंपल एनालिसिस लेके आया हूँ मैं। मेरे को एक काइंड ऑफ इसमें ये देखिए सपोर्ट जोन दिख रहा है जिसका मेरे को ब्रेक मिल चुका है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अब इसमें मेरे को एक चीज और दिख रही है, आपको नोटिस कर पा रहे होंगे तो, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और देखिए ये लेफ्ट, सॉरी हेड, और ये राइट शोल्डर, और अब ब्रेक देने के बाद ये रिट्रेस करने आ चुका है इसको वापस, ठीक है दोस्तों। अगर ये कल हमें ब्रेक देता है ना, ब्रेक तो दे चुका है ये, अगर एक ट्रेंड लाइन भी ये वापस फॉलो करेगा, अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक दिया है तो वो भी हम बनाएंगे जरूर। ये देखिए दोस्तों अगर ये कल हमें फॉल देता है ना और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो कन्फर्मेटरी हमारे लिए सेल सिग्नल होएगा, और हमारे लिए जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत छोटा रहने वाला है इस छोटे सपोर्ट जोन के ऊपर, ठीक है, और एक बड़ा मूव हम इसमें इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओरो फार्मा को भी दोस्तों आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि इसमें मेरे को ये पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है दोस्तों, 90% मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये प्रॉफिट देता ही देता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं काम करता, किस्मत भी खराब हो सकती है आपकी कभी, ठीक है, पर 90% ऑफ द टाइम ये काम करता ही करता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले स्टॉक पे जो कि है बायोकॉन। दोस्तों बायोकॉन में अगर आपको दिखाऊंगा, मेरे को बायोकॉन में कोई भी इसमें मतलब बड़ी चीज नहीं दिख रही, एक सिंपल सी चीज थी, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, ये देख सॉरी, ये देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए, देख पा रहे हैं आप दोस्तों, मैंने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और उसमें मेरे को क्या सॉरी, और उसमें मेरे को क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आपको पैटर्न देखने को मिल रहा होगा एक काइंड ऑफ ये कप और एक कप का हैंडल, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक दिया इसने, अब ब्रेक के बाद ये वापस इसको रिटेस्ट करने आया ट्रेंड लाइन को, देख रहे हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो हम इसमें एग्जैक्टली ट्रेड करेंगे, नेगेटिव साइड दोस्तों इस वाले स्टॉक को आप मत देखिएगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें एक काइंड ऑफ ये, अब ये चीज भी देखिए, देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट हुई है। तो दोस्तों इसमें मैं पॉजिटिव रहूंगा, इसमें नेगेटिव की साइड आप प्लीज मत देखिएगा, मैं इसमें नेगेटिव सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक है। और अगर दोस्तों ये हमें ब्रेक देगा ना, ये ट्रेंड लाइन भी एक फॉलो अच्छी खासी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, अगर हमें ब्रेक मिलता है इसका तो इजीली स्टॉप लॉस भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। यहाँ पे लगा सकते हैं आप जो इसका प्रीवियसली ये हो गया एक प्रीवियस लो, या फिर ये हो गया, आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं कि आप कितना रिस्क लगा रहे हैं कैपिटल का, और इजीली इसमें टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपने आखिरी स्टॉक पे जो कि है सेल। ये मैंने आपको कल भी दिया था, फ्राइडे को सॉरी, और फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे को भी दिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें अपॉर्चुनिटी ही इतनी बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, और डेली इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कितने बड़े बड़े मूव दे रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा मूव, नीचे आया तो ये भी कितना बड़ा मूव, फिर नीचे आया तो आज भी देखो कितना बड़ा मूव। तो बड़े बड़े मूव दोस्तों इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, पर मूव बहुत अच्छे मिल रहे हैं इसमें हम दोस्तों। अब इसमें हम क्या देखेंगे, तो पहले आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये देखिए, मैं आपको पहले नेगेटिव साइड ही दिखाऊंगा। नेगेटिव साइड में दोस्तों एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही थी, जिसको इसने आज ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट करने आया ये, देख पा रहे हैं, और एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन दिख रही है आपको, दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया हमारा नेगेटिव साइड, पर इसमें आप एक चीज नहीं, मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर सकते कि बार बार एग्जैक्ट इसी सपोर्ट जोन पे से आके सेल उठ रहा है, ठीक है, यहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है और वापस बुल्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर कल हमें इसका ब्रेक मिलता है सपोर्ट जोन का, तो हम इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इजीली देख सकते हैं, पर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है ना दोस्तों, तो एक अच्छा छोटा टेम्पररी रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, छोटा सा ये रहा, ये देखिए दोस्तों ये टेम्पररी रेजिस्टेंस जोन है इसका। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो इसको बाइंग करूंगा, क्योंकि सेल हमें अगर एक तरफ मूव देता है तो पूरा का पूरा ही, मतलब अच्छा खासा मूव दे जाता है, 3-3, 4-4, 5-5% का, तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है इंट्राडे के लिए, और कोई स्टॉक को ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, थैंक यू।